नमस्कार आदाब, गुड इवनिंग। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ फिलसफी में। आज की क्लास में हम लोग ग्रेड 8 का चैप्टर पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, जिसकी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिटीज़ की मदद से फैक्टराइजेशन को करते हैं। आज की क्लास में हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, हमारे पास मैथ्स में जो इस साल हमने पढ़ी है 4 आइडेंटिटीज़ हैं। क्या है वो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, बोल बोल के लिखते जाओ। फरहान बेटा आपने एक मिनट भी चुप नहीं रहना है, धीरे धीरे बोल बोल के लिखते जाओ। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया, प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी क्या है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है बच्चों ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथी आइडेंटिटी क्या है हमारी, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चारों आइडेंटिटी फरान जोर जोर से पढ़ दो एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए बी नहीं है बेटा, ए प्लस बी है टाइम्स एक्स, ए प्लस बी एक्स नहीं बोलते, ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये चारों आइडेंटिटियाँ याद रखनी है आप सभी को, अगर चारों आइडेंटिटियाँ याद नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक कॉमन सेंस दिमाग में बना के रखना है कि यदि तीनों टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं, क्या बोला मैंने, तीनों टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं, तो पहली आइडेंटिटी होगी तीनों टर्म्स में से आपका एक टर्म नेगेटिव है तो दूसरी आइडेंटिटी होगी, अगर दो ही टर्म हैं तो तीसरी आइडेंटिटी होगी, और चार टर्म होंगे तो चौथी आइडेंटिटी। बहुत बेसिक सा फंडा है, क्या फिर से बताओ, क्या क्या बताया मैंने, मैंने बताया कि तीनों टर्म पॉजिटिव होंगे तो एक घंटी लेके आ जाओ यार, मंदिर की घंटी बजाते हैं जोर से, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तीनों टर्म पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, पहली आइडेंटिटी, एक टर्म नेगेटिव होगा तो दूसरी आइडेंटिटी, अगर दो ही टर्म होंगे तो तीसरी आइडेंटिटी, और चार टर्म होंगे तो चौथी आइडेंटिटी। आ रही बात समझ में, टर्म समझते हो क्या होता है, नहीं पता होगा, टर्म कहाँ पता होगा। चलो पहले उसको पढ़ने से पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को, एक एक्सरसाइज को देखते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था क्या, कितने क्वेश्चन करा दिए थे इसके, सारे करा दिए थे, ठीक। तो इसके बाद वाली मैंने होमवर्क दी होगी शायद, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से करना शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने, 5 सवाल हैं, ठीक है। लिखो चैप्टर का नाम, लिख दो फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी, 12.1 14.1 तो पुरानी बुक के हिसाब से, गरीब मैं तुम्हारी नई बुक के हिसाब से 12.1 है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, पहला सवाल बेटा, फैक्टराइज करने का मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फैक्टराइज करने का मतलब मैंने बताया था कि जो भी आपको चीज़ दी रहती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हमें सिंगल लेके आना होता है, क्या लेके आना होता है, सिंगल लेके आना होता है। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं फरहान, देखो कितने टर्म्स हैं बेटा, एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, कितने टर्म है, 4। इन चारों को हमें समेट के एक सिंगल टर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख लो, पहले स्टेप में तो क्वेश्चन को हम एज इट इज उतार लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बताओ कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो हमने लिखा x और ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस वाई,
इसके बाद हमने देखा प्लस लिखा है, तो प्लस लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपने दूसरे में x प्लस वाई अपने आप लिख देना है। जो यहाँ पे x प्लस वाई है यही x प्लस वाई यहाँ भी लिख देना है, याद आ रहा है। अब मुझे बताओ कि इस 8x को x को 8x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 से। तो हम और फिर प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से। चेक करेंगे कि क्या 8y भी है, तो बिल्कुल है, यानी हमारा आंसर आ गया x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आया कि नहीं आया कबीर? अगर आ गया समझ में तो अगला क्वेश्चन करना शुरू करो। अगर समझ में आ गया है अगला क्वेश्चन करना शुरू करो, टाइम मिलेगा एक मिनट, एक मिनट से ऊपर का सवाल है नहीं वो। इन दोनों में बताओ बच्चों क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ गया, वेरी गुड। और क्या कॉमन आ सकता है, 15 और 6 में क्या कॉमन आएगा, बोलो, 3, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में क्या आएगा, 15xy में से 3x कॉमन ले लिया, क्या आएगा, 5 आ गया 15 से, और y आ जाएगा y से, माइनस 6x में से 3x कॉमन लिया तो क्या आएगा, बहुत बढ़िया, तो 5y माइनस 2। दूसरे ब्रैकेट में 5y माइनस 2 अपने आप ही लिख देना है। अब बताओ 5y कैसे बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई होके, तो प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो आंसर आ गया 3x प्लस 1 इंटू 5y माइनस, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। निकल गया, सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी आएगा बेटा, फिर दूसरे में a प्लस बी बाहर पहले से ही लिख देंगे। तो बताओ a माइनस ए वाई को a को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई से, और माइनस वाई को b से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, माइनस बी वाई है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर आ गया x माइनस वाई इंटू a प्लस बी। समझ में आ रहा है, परान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी अच्छी एडिटिंग करो, चीटियां रंगा रहे हो तुम, सुंदर सुंदर लिखो। चलो शाबाश, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हमें रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ी नहीं, अभी तक हमें रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, इसमें तो नहीं पड़ रही है। तो बेटा देखो, मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि इसमें शायद पड़ जाए, इसमें शायद पड़ जाए, क्योंकि अगर मैं 15 कॉमन ले लूँगा तो पी क्यू प्लस 1 आ जाएगा, तो इधर पर भी तो उस तरीके का कॉमन होना चाहिए, तो इसमें तो कॉमन हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रीग्रुपिंग की, यानी हमें ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो ग्रुप हो सके। तो 15 और 9 का हम एक बार ग्रुप बना लेते हैं, एक बार 15PQ प्लस 9Q का ग्रुप बनाते हैं, और एक बार 25P और 15 का ग्रुप बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ सकता है, 3Q, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5P प्लस 3, बोलो समझ में आ रहा है। फरहान, 3Q कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 3Q इंटू 5 करेंगे 15, और P को बच गया था प्लस 3। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले से ही 5P प्लस 3। अब 25P में से 5P ले लिया तो क्या बचा, बाहर 5, और ये 5 3 जा 15 होता है, होता है, तो हमारा आंसर आ गया 3Q प्लस 5 इंटू 5P प्लस 3। आई बात समझ में, इजी है ना, तुमने इस तरीके के सवाल किए थे, नहीं किया ना, पहली बार कर रहे हो, फिर इस तरीके के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन किए हैं ना तुम्हारी बुक में से, तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो चुका है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, z माइनस 7 प्लस
प्लस सेवन एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड। पहले बेटा z माइनस सेवन में से क्या कॉमन ले सकते हैं, वन, तो ब्रैकेट में आ गया z माइनस सेवन। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो हमें z माइनस सेवन लिखना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें z माइनस सेवन लिखना है। अब हमें देखना है कि ये z बना कैसे, तो क्या छूट गया इसमें, माइनस एक्स वाई छूट गया, तो मैंने लिखा माइनस एक्स वाई और मल्टीप्लाई करके देखा तो माइनस एक्स वाई इंटू माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स वाई बन रहा है, तो इसका मतलब सही है, तो हमारा आंसर आया वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड माइनस सेवन। बोलो बेटा आ रहा है समझ में, पक्का? यस सर बोला करो, तुम जो ऐसे गर्दन हिलाते हो ना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे। हो गया कबीर, हो गया बेटा, कबीर भी गर्दन नहीं ला रहा है। चलो अगला सवाल, मुझे बताओ बच्चों कितने टर्म हैं, कौन सी आइडेंटिटी होगी, दो टर्म, कौन सी आइडेंटिटी होगी, पहले ही बताओ, मैंने जो ट्रिक बताई उस ट्रिक से कौन सी आइडेंटिटी है, पहली, फर्स्ट है, क्योंकि तीनों टर्म पॉजिटिव हैं। अब क्या करना है आपको, आपको पहले टर्म का स्क्वायर देखना है, किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, आखिरी टर्म का स्क्वायर देखना है, किसका स्क्वायर है, फोर का स्क्वायर है, बीच में क्या लिखते हैं, टू ए बी, तो आप लिखोगे टू इंटू ए इंटू बी और अगले स्टेप में आंसर लिख दोगे एक्स प्लस फोर का, इतना ही सिंपल होता है, दो स्टेप का सवाल होता है, कितने स्टेप का सवाल होता है, दो स्टेप का, पहले स्टेप में हम क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरे स्टेप में इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में लिखते हैं। हाँ बेटा, और ये कैसे आया ये समझ में आया आपको, आपकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है, ए क्या था इस क्वेश्चन में, x, b क्या था इस क्वेश्चन में, 4, तो इसीलिए हमने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू, ये हमने चुराया है यहां से और यहां से, समझ में आया, और ये कैसे पता चला चुराना है, पहली आइडेंटिटी से, पहली आइडेंटिटी से, पहली आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। चलें अगले सवाल पे, चलो ध्यान से देखो, कौन सी आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी में बताओ ए क्या बनेगा, ये फोर है, फोर तो किसी का स्क्वायर होता है, टू का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, टू वाई का होल स्क्वायर। पहले तो क्वेश्चन लिखो, पहले तो क्वेश्चन लिखो, पहले स्टेप में क्या लिखा हमने, फोर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस नाइन, ठीक है, हमने देखा पहला टर्म, पहले हमने देखा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दूसरी आइडेंटिटी, पहले तो हमने आइडेंटिटी चेक करी, फिर हमने चेक करना है कि क्या पहला और आखिरी टर्म स्क्वायर है, तो हमने देखा नाइन किसका स्क्वायर है, थ्री का, और फोर किसका स्क्वायर है, टू का, तो हमने यहाँ पे बनाया टू वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बीच में क्या लिखना है, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू ए की जगह पे क्या लिखा, टू वाई, और बी की जगह पे क्या लिखा, थ्री, और अगले स्टेप में आंसर लिख दिया। ये पता था तुम्हें पहले, ऐसे ऐसे आता था ये ट्रिक पता थी। हाँ बेटा, कौन सा, ये टू वाई बेटा यहां से आया, एक यहां से चुराना है, एक आखिरी से चुराना है, तू तो देखो बेटा, आप ऐसे समझो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर,
तब ये जाके आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? तो हमने क्या करना होता है, पहले हमें a ढूंढना है, b ढूंढना है, बीच में माइनस टू ए बी होगा ही होगा, नहीं तो सवाल सॉल्व थोड़ी होगा। चेक कर लो, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, टेल है y है, तो हमने 12y को ब्रेक कर दिया 2 इंटू ए इंटू बी में, तीन टर्म में से पहला वाला स्क्वायर, आखिरी वाला स्क्वायर, बीच वाले टर्म को 2ab में ब्रेक कर दिया, समझाने के लिए कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में कबीर? यस सर। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। इसमें कितने कितने टर्म्स हैं? चार टर्म है, तो चार टर्म्स में मैंने बोला था कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, चौथी आइडेंटिटी। पर चौथी आइडेंटिटी में अगर हम देखें ध्यान से, तो दो टर्म्स में ए होना जरूरी था। चौथी आइडेंटिटी देखो कैसी होती है बेटा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कैसे होती है, ये होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसी होती है। तो x कितने टर्म्स में होना चाहिए था, दो में। यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं ए स्क्वायर को रखूँगा तो a मेरा दो टर्म्स में होना चाहिए था, पर मेरा नहीं है, पर मेरा नहीं है। अब मैं देखूँगा कि क्या इन चार टर्म्स में से अगर मैं एक आधा टर्म हटा दूँ तो कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये सेकेंड आइडेंटिटी है, ये तो देखने से ही दिख रहा है, सेकेंड आइडेंटिटी दिख रही है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर बेटा इतना पोर्शन अगर हम सॉल्व करें तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। और माइनस सी स्क्वायर तो है ही। अब ये कितने टर्म्स हो गए, तीन टर्म को मैंने एक सिंगल टर्म में बना दिया, अब ये कितने टर्म्स हो गए, दो। अब ये कितने टर्म्स हो गए, दो। दो टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी है। कौन सी है, थर्ड है। तो थर्ड आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ए, ये ए है, प्लस बी और फिर ए माइनस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। कितने टर्म्स में आ गई, समझ में आ रहा है? ओके, हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, चार टर्म्स थे, कितने टर्म्स थे, चार टर्म्स। मैंने बोला कि यदि चार टर्म होंगे तो चौथी आइडेंटिटी होगी, पर चौथी आइडेंटिटी के लिए खास बात यह होता है कि दो टर्म्स में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, पर यहाँ पे कॉमन नहीं थी, यहाँ पे ए नहीं था, एक ए एक ही में था। और मैंने ध्यान से इसको जब देखने की कोशिश करी तो मुझे क्वेश्चन को देखते ही कोई भी सीधे से सीधा आदमी बता देगा कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा है। तो मैंने इसको लिखा बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो था वो तो है ही, ठीक है। अब ये कितने टर्म्स थे, चार, चार को कितने में समेट दिया मैंने, दो टर्म्स में। दो टर्म्स की आइडेंटिटी कौन सी है, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है, ए माइनस बी, और बी की जगह पे क्या है, सी। जो बी है इसमें, बी की जगह पे क्या है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, तो ए क्या है इसमें, ए माइनस बी, ये पूरा ए है ना, तो मैंने लिखा ए प्लस बी और फिर मैंने लिखा ए माइनस बी। आया समझ में कबीर बेटा, आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलें अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करने के पहले
इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको अब एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक पैटर्न हम देखेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक पैटर्न देखेंगे बेटा। सबसे पहला पैटर्न बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। तो आपने बोला कि सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। मैं अब बोलता हूँ बेटा कि इसको आप थोड़े से डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करो। हम इसको बोलेंगे बेटा ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे ही देखना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं 2 की जगह पे 4 कर दूं, मैं 2 की जगह पे 4 कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे ले सकते हैं, हम इसको ले सकते थे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज होता, ये फर्दर फैक्टराइज हो जाता तो हम इसको लिखते a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फर्दर फैक्टराइज करते, लिखते a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। एक स्टेप और आगे जाते बेटा, हमने लिखा a टू द पावर 8 माइनस बी टू द पावर 8, कहां से शुरुआत करेंगे बताओ, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 होता, लेकिन उसको हम फिर से तोड़ देते। ध्यान से समझो क्या होता, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 होता ना, लेकिन इसको फर्दर तोड़ते, कैसे तोड़ते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर को हम फर्दर तोड़ते ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक ये है बेटा कि जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको आप तब तक डिवाइड, पहले तो आप पॉजिटिव वाले टर्म लिखते जाओगे एक एक आधा करके, और तब तक लिखते जाओगे जब तक कि वो आधा हो रहा है, जब आधा होना बंद हो जाएगा तो लास्ट में एक नेगेटिव वाला टर्म लिख दो, एक नेगेटिव वाला टर्म, ठीक है। जैसे इसका आंसर क्या बनेगा, 8 का आधा किया 4, 4 का आधा किया 2, 2 का आधा किया 1, 1 का हाफ हो नहीं सकता, तो ये आपका आंसर आ रहा है। समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने लिया a टू द पावर 16 माइनस b टू द पावर 16, ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो 16 का हाफ कितना होगा, तो हम लिखेंगे a टू द पावर 8 प्लस b टू द पावर, फिर 8 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, फिर 4 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, तो a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर, फिर 2 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, तो a टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 1। अब इसका हाफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसी का माइनस लिख देंगे लास्ट। समझ में आया कबीर? समझ में आया? पक्का? पक्का? यस सर। तुम्हें आया समझ में? इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं तुम्हें खेल बताता हूँ किस तरीके से चेंज हो जाएगा खेल। अभी खेल चेंज हो जाएगा, सवाल इतने सिंपल थोड़ी आएंगे। ये ऐसे होता क्यों जा रहा है फरहान, एक बार समझने की कोशिश करो बेटा। जब ये 16 था तो 16 का हाफ प्लस में आया था, यही माइनस में भी आता, तो जब वो माइनस में होता उसका भी हाफ प्लस में आता और उसका हाफ माइनस में भी आता, तो जो उसका फर्दर माइनस हाफ होता उसका भी हाफ प्लस में आता माइनस में आता। तो ये कहानी कब तक चलती है, जब तक हाफ होना
बंद ना हो। सर ये तभी हो सकता है जब ए माइनस बी है या फिर ए प्लस बी में भी कर सकता है, ए लेकिन प्लस फिर बी में हो ही नहीं। जो ना ना ना, ए प्लस बी में कैसे करोगे, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस में हो ही नहीं सकता। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, और अब देखो क्या खेल होगा। मैंने लिखा ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 8, ऐसा भी सवाल आ सकता है। यहाँ 16 है, यहाँ पे 8 है, समझ आ रही बात। तो पहले क्या करोगे, दोनों का हाफ करोगे, तो ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 4, प्लस ही तो आएगा भैया, पहले प्लस ही तो चलते, माइनस तो एक ही होता है। अब क्या करेंगे, इसका फिर से हाफ कर देंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 2। अब इसका फिर से हाफ कर देंगे, तो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 1। लेकिन अब बी का हाफ होगा क्या, नहीं होगा, बी का हाफ नहीं होगा, तो जो पॉजिटिव का टर्म है इसी का नेगेटिव लिख देंगे। ए माइनस बी मत लिख देना, इसी का नेगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब भी रह रहा है। चलो फिर मैं एक सवाल देता हूं, करो, सवाल दे रहा हूं मैं, लिखो ए टू द पावर 32 माइनस बी टू द पावर 16, बताओ क्या आंसर आएगा। और दूसरा सवाल है ए टू द पावर 16 माइनस बी टू द पावर 32, दोनों सवाल करके बताओ, दोनों बच्चे लोग। तो फर्स्ट वाले का आ गया, ओके, फर्स्ट वाले का मैं लिख देता हूँ, चेक कर लेना। सेकेंड भी हो गया, यस। देखो यही है आंसर, यस सर, सही है। अब बेटा बी तो रहेगा नहीं सवाल में, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, तो उस नंबर की जो पावर होगी ना उसको कैलकुलेट करके आंसर में लिखना है, वैसे मत छोड़ देना, समझ में आया। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, क्या पूछा था अभी क्वेश्चन, बी की पावर 4 माइनस 256, यही पूछा था, एम की, तो एम की पावर 4 माइनस 256, किसी को पता है 256 क्या होता है, 256 होता है बेटा 4 की पावर 4, क्या होता है 4 की पावर 4, 256 होता है 16 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 16 का, याद कराया था उस दिन, 16 के अंदर दो 4 छुपे होते हैं, तो 16 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 4, क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, m टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, m टू द पावर 2 माइनस 4 टू द पावर 2, माइनस क्यों होगा, हाँ सॉरी प्लस, प्लस 4 टू द पावर 2, फिर क्या लिखेंगे, m स्क्वायर पावर 1, हाँ प्लस 4, 4 फिर लिखेंगे m माइनस 4, समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 16 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम माइनस, देखो समझ में आ रहा है, वो तो होमवर्क देके पता चल जाएगा, आ रहा है समझ में। चलो ध्यान से देखो बच्चों, इसी सवाल को बढ़ा दे रहा हूँ मैं, मैंने लिखा m टू द पावर 8 माइनस 256,
अब बताओ 256 और क्या हो सकता है, नाइन्थ वाली ले लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, m की पावर 4 प्लस 2 की पावर, हाँ 16 तो अगले स्टेप में लिखेंगे, फिर m की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, फिर m प्लस 2, फिर m माइनस 2, m माइनस 2। तो ये हो गया बेटा m की पावर 4 प्लस 16, फिर m की पावर 2 प्लस 4, फिर m की पावर समझ में आ रहा है? हाँ ट्रिक, ट्रिक समझ में आई, काम कर रही है ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी, जब एक नंबर का सवाल होगा। क्वेश्चन पूछा, चार ऑप्शन दिए, ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, ठीक है? क्वेश्चन दिया, एक ही नंबर का सवाल है, बोला भैया कर दो, तो दो मिनट मिलते हैं। एक नंबर के सवाल में कितना मिनट मिलता है? दो मिनट मिलता है। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक होता है कि हमें आंसर मिल जाता है, फिर हम आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं। ट्रिक से आपको आंसर मिल जाता है, अब हम आंसर की तरफ अप्रोच करेंगे, दिखाएंगे टीचर को कि हमारा ये आंसर कैसे आया, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं, एग्जाम में करने का तरीका। सेम सवाल है, यही वाला सवाल है, सबसे डिफिकल्ट सवाल, इसके ऊपर का तो सवाल होगा नहीं, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। कितने स्टेप में होगा बेटा, देखो 1 2 3 चार स्टेप में तो हो गई। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, m की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 इंटू m की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। अगले स्टेप में क्या करेंगे, m की पावर 4 प्लस 16, इसको 16 बना देंगे, और इसको लिखेंगे m की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इंटू m की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, m की पावर 4 प्लस 16 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम प्लस 2 इंटू एम माइनस 2। ऐसे करना है एग्जाम में, ये एग्जाम में करने का तरीका लिख लो। इसको करने में भी एक ही मिनट लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अगर आप नहीं करोगे तो टीचर बोलेगा कि भैया तुम लोग इतने स्मार्ट तो हो नहीं, मुझे तो पता है तुम स्मार्ट हो, मैथ्स में छूट के स्टूडेंट हो, लेकिन टीचर बोलेगा कि भैया इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर सवाल एक नंबर का है, पूछा नहीं जा रहा है कैसे करना है, ऐसे कर दो, पूछा जा रहा है ऐसे करना है। कबीर तुम्हारे लिए खास तौर पे, तुम स्टेप जंप कर देते हो, छोड़ देते हो आधे रास्ते में ही सवाल को, तुम्हें पता होना चाहिए सवाल कहाँ पे जाके अंत होगा। समझ में आया? बेटा 2 है, 4 का हाफ 2 ही तो होता है, ये तो मैंने दिखाया कैसे हुआ बेटा, ठीक है? इसको हम ब्रैकेट में फर्दर तोड़ते हैं ऐसे, एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। समझ में आया प्रभ, कोई डाउट? तो तीन आइडेंटिटी के सवाल तो हमने कर लिए, अब चलते हैं चौथी आइडेंटिटी पे। तो हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बताओ बच्चों, देखते ही क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी है? पहली लग रही है, पर पहली आइडेंटिटी के आखिरी के दोनों टर्म स्क्वायर होने चाहिए। स्क्वायर हैं? नहीं, स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो कौन सी आइडेंटिटी बनी, चौथी आइडेंटिटी, चौथी आइडेंटिटी, ठीक है? चौथी आइडेंटिटी में भी तीन ही टर्म होते हैं, याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, होता है कि नहीं होता? कितने टर्म्स होते हैं? तीन होते हैं, कभी कभी चार, आप खोल अगर खोल दोगे तो चार हो गए, नहीं तो तीन टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? तीन ही, याद करो तुम लोग। तो तीन टर्म्स के साथ अगर स्क्वायर नहीं है तो कौन सी आइडेंटिटी है? चौथी आइडेंटिटी है। चौथी आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं बेटा, हम दो चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं कोफिशियंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, और कोफिशियंट ऑफ एक्स बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आता है प्रभ बेटा, ये क्वेश्चन आता है करना? नहीं आता, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी को, ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, यही होती है।
ये जो दो टर्म्स थे आपके एक्स के बाद वाले, ये जुड़ते हैं एक्स के कोफिशिएंट बन जाते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनते हैं, कॉन्स्टेंट। यानी नंबर तो वही है, नंबर तो वही है फरहान, बात समझ रहे हो, नंबर वही है पर एक बार वो नंबर ऐड हो रहे हैं और एक बार वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके आखिरी वाला टर्म आ जाए और जोड़ने पे बीच वाला टर्म आ जाए। बताओ कौन से हैं वो दो नंबर, दो नंबर जिनको जोड़ने पे 5 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। नहीं बेटा, आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और जिन्हें जोड़ने पे 5 आ जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया, कौन से आए वो दो नंबर, 2 × 3। तो हम बोलते हैं, हम मिडिल इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं उन दो नंबरों में, उन दो नंबरों में जो दो नंबर मिलके इसको मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब देखो बेटा, 4 हो गए, हमने इसको 3 को 4 में खोला, अब 4 में से इन दोनों को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x प्लस 3। मैंने बोला था x प्लस 3 यहां भी आना चाहिए, आएगा ही आएगा। और देखो x 2x में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2। तो आंसर बना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस। ट्रिक काम करी, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 बन जाए, ठीक है। तो एक बार दूसरी आइडेंटिटी, चौथी आइडेंटिटी को हम खोलना शुरू करते हैं और फिर हम उसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। मैं फटाफट से पूछता जाता हूँ, मुझे बताओ बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है, 4x प्लस 3, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 क्या बनेगा, प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है, ठीक है। फिर मैंने पूछा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ये क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 2x माइनस 3। और मैंने पूछा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। लिखो फटाफट, समझ में आ रहा है तुम्हें बेटा। 3 और 1 को जोड़ा 4 बन गया और 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया 3 बन गया। x का कोफिशिएंट दोनों को जोड़ के आता है और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। यहां पे देखो फिर से, ये माइनस था तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और 3 इंटू माइनस 1 कितना होता है माइनस 3। माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है माइनस 2। माइनस 3 इंटू 1 कितना होता है माइनस 3। माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है माइनस 4। माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना होता है 3, ठीक है। चलो अब पूछता जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन पहले बताता है। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फरहान, प्रभ, सिमरन, कबीर, ठीक है, देखते हैं। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, अपनी नोटबुक में लिखो और मैं आके चेक कर लूंगा, तुम बोल देना, लिख नोटबुक में लिखते ही बोल देना। क्या आया, इतना टाइम नहीं है, नोटबुक में लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 30 इज द रॉन्ग आंसर। तुम बताओ कबीर, अबे हद हो गई, अभी अभी तो सिखाया, ये नहीं आया समझ में तुम्हें,
सर आगे मेरे को बस इतना ही समझ नहीं आया कि नंबर आपने सीधा डाल दिया या फिर मल्टीप्लाई आपने किया। मतलब क्या नहीं समझ में ओके आया? हाँ, आपने लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया था। लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1x नहीं होगा बेटा, प्लस 1x होगा। 6 माइनस 5 कितना होता है? तुम एक्स लिखना भूल गए। कबीर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ये क्या होगा आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। 6 में से 5 माइनस करोगे कितना होगा? तो 1 तो कोफिशियंट बनेगा ना, 1 तो कोफिशियंट बनेगा, एक्स तो होगा ही होगा। तो तुम्हें एग्जाम में ये दिया होगा, तुम्हें ये ढूंढ के निकालना है। समझ पा रहे हो? जब तुम ये समझोगे तब तो उल्टा समझोगे, पहले सीधा तो समझो। चलो अगला नंबर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 9 हो गया सर। क्या आया बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -72 माइनस, 72 शाबाश, यही है। अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर -13 एक्स प्लस सॉरी माइनस नहीं प्लस 7 42। पहले नोटबुक में लिखना होता है, उसके बाद बोलना होता है। नोटबुक से देख के बोलोगे तो सही बोलोगे। आ रहा है समझ में भाई साहब? नहीं आया? -6 और -7 कितना होता है? -13। तो गड़बड़ है ना तुम्हारा, जोड़ना घटाना अगर तुम्हारा गड़बड़ है और तुम 8th में पहुंच गए हो तो क्या करेंगे? बोले मैंने गलत जोड़ दिया। अरे हम क्या करें भाई, नंबर जोड़ने ही तो हैं। दोनों नंबर सेम साइन के तो जुड़ेंगे, -13 और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आ रहा समझ में? कोई भी सही नहीं बता रहा है, जल्दी नहीं बता रहा है, बहुत टाइम लगा रहे तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7 6, यस सर हो गया। एक्स स्क्वायर -2x -63 -60, यही आया है। यस ठीक है, शाबाश प्रभु। तुम देखो गुरु जी, यही है, आ गया। समझ में आ रहा है? चौथी आइडेंटिटी समझ में आ रही है? अब मैं उल्टा पूछूं, उल्टा पूछूं, समझ में आ रहा है? चलो एक बार फिर से देख लो, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? चलो देखो ध्यान से, 4 और 2 दोनों नंबर पॉजिटिव लिए तो क्या होगा रिजल्ट? दोनों नंबर जुड़ जाएंगे और दोनों नंबर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी तीनों टर्म पॉजिटिव, तीनों टर्म पॉजिटिव। दूसरा रिजल्ट देखो बच्चों, एक नंबर, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, यही हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा? बीच वाला टर्म नेगेटिव, लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव। एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है बच्चों, जिसमें बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव और छोटा वाला नंबर नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में लास्ट टर्म नेगेटिव आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8। और एक और तरीका हो सकता है, एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 2, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर -2x -8। 4 प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ध्यान से देखते जाना। पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार, सारे प्रकार समझ लो एक बार। तो जब भी तीन टर्म दिखें, इसकी मैं कैटेगरी बांटने वाला हूं अभी, अब इसकी कैटेगरी बांट रहा हूं बेटा। पहले और दो टर्म को हम एक कैटेगरी में डालेंगे, तीसरे और चौथे टर्म को एक कैटेगरी में डालेंगे। पहले
पहले और दो टर्म को एक कैटेगरी में इसलिए डालेंगे कि यहां पे हमारा क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। कैसे पता किया? 8 से पता किया, 8 से पता किया। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होके 8 हो रहे हैं तो दोनों का साइन तो सेम होगा। कबीर आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है मतलब दोनों का साइन तो सेम होगा, यानी दोनों नंबर हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। यानी हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करके तो मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म आए। समझ में आ रहा है? आखिरी के दो टर्म देखो, आखिरी के दो टर्म देखो। अब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, कौन डिसाइड करेगा? ये वाला टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो दोनों नंबर पॉजिटिव। आई बात समझ में? अगला देखो, आखिरी के दो टर्म, तीसरे एंड चौथे नंबर, तीसरे एंड चौथे नंबर पे अगर आप देखोगे तो आखिरी टर्म क्या हो रहा है, नेगेटिव। और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यह हुआ बेटा कि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। और जब ऐसा सीन होता है तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। और देखो सब्ट्रैक्ट हुआ है, 4 में से 2 गए 2, माइनस 4 में से 2 गए माइनस 2। यही चार केसेस बनते हैं, इसके अलावा पांचवा केस नहीं बनता। चार केसेस किसके बनते हैं? चौथी आइडेंटिटी के। तो जब भी इस तरीके का टर्म्स मिले आपको पहले दिमाग में घुसाना है, पहले क्या देखना है, पहले देखना है कॉन्स्टेंट। सबसे पहले क्या देखोगे? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट से डिसाइड होगा कि नंबर दोनों पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर दोनों का साइन 8 है तो दोनों नंबर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव दोनों नंबर नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव, और अगर साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन। अब मैं ये केस याद कर लो, अब मैं क्वेश्चन दूंगा तुमसे, पूछूंगा केस कौन सा है, पहले मैं पूछूंगा केस कौन सा है। जब केस समझ जाओगे तो सवाल भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, केस देख लिया तुमने, इसमें देखो ये पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव है, ध्यान से देखना। कौन सा केस है? अरे केस बताओ, चार केसेस में से कौन सा केस है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी चार केस लिखवाए हैं, दूसरा नहीं है। आखिरी टर्म नेगेटिव है तो तीसरा या चौथा होगा। आखिरी टर्म नेगेटिव किस में है बताओ, कौन सा टर्म है? चौथा। कौन सा केस है? फोर्थ केस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कबीर कैसे है फोर्थ केस? लास्ट टर्म नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, तो कौन सा केस हो गया? चौथा केस। यानी दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 70 आए और सेपरेट करके 3 आए, तो क्या है नंबर? 7 और 10। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लोगे एक्स माइनस 10, और इन दोनों में कॉमन ले लोगे, यहाँ x माइनस 10 आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे? प्लस 7। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस, ऐसे फैक्टराइजेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का नोट करो इसे, तब तक मैं अगला केस देता हूँ, मुझे बताना कौन सा केस है। सेकेंड, जब लास्ट में नेगेटिव है तो सेकंड कहां से हो गया? थर्ड है। सेकेंड, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। कौन सा केस है? फर्स्ट। आ रहा है समझ में? तो चौथी आइडेंटिटी के चार केस हैं, कितने केस हैं? चार केस है। अगला सुनो ध्यान से, और दे रहा हूं ठीक है, सर बताना ध्यान से।
कौन सा केस है? फर्स्ट। बहुत फोर्थ। बढ़िया। थर्ड, फोर्थ में दोनों नेगेटिव है काके, फोर्थ में दोनों नेगेटिव है। अब मेरे को अपनी आंखों का भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, प्लस माइनस जैसे। आंखों का ऑपरेशन मत करवा लो, एक्सरसाइज कर लो आंखों की ऐसे। सेकंड। सेकंड केस। ठीक है, आंसर बता दो जरा, एक का आंसर बताओ, सबके निकल जाएंगे। बताओ कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 38 आता है और जोड़ के 21 आता है? फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखो, इसका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखो, आंसर वहीं से निकल जाएगा। ट्वेंटी सर 21 का तो 7 और 3 है। ओके। वन का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, इसका करना है। सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते तो टू और जोड़ क्या आता है? 19, 99 2, तो पहले का आंसर क्या बनेगा? एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 19। दूसरे का आंसर क्या बनेगा? दूसरा कौन सी आइडेंटिटी है, मतलब चौथे का कौन सा केस है? चौथा केस है, नहीं तीसरा केस है, तीसरा केस है, यानी बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव, छोटा वाला नंबर नेगेटिव। ये कौन सा केस है? चौथा केस है। तो चौथे केस में बड़ा वाला नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव, और ये कौन सा केस है? दूसरा केस है। तो दोनों नंबर नेगेटिव। आ रही बात समझ में? नहीं आई? देखो ये कौन सा केस था, पहला, पहले में दो नंबर तो मिल गए ना, 99 2, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरे केस में क्या था? दोनों नंबर नेगेटिव थे, तो ये वाला केस कौन सा केस है? दूसरा केस है। नहीं, ये वाला है, दूसरा केस तो है ही नहीं यहाँ पे। कौन सा? ये वाला दूसरा। ये बेटा गलत हो गया, ये 21 होना चाहिए। ये कौन सा केस हो गया? दूसरा। तो ये दूसरा केस हो गया। अरे यार सही था, ये है हमारा दूसरा केस, ये हमारा दूसरा केस, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो दोनों नंबर क्या हो गए? नेगेटिव। दोनों नंबर क्या हो गए? नेगेटिव। नंबर तो 99 टू ही है, और ये वाला केस कौन सा था? चौथा केस। चौथे केस में बड़ा वाला नंबर क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लाना है ना, बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो नेगेटिव आएगा। और ये वाला केस कौन सा था? तीसरा। तो तीसरे केस में बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। आया समझ में? कबीर आया बेटा? यस। ठीक है, तो इसके बाद बेटा ये आपकी एक्सरसाइज है 14.2। भैया नोट कर लो तुम, तो 14.2 एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क हो गई अभी। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, तो मैं फोटो भेज दूंगा। मैं कल आराम से करना है, आज नहीं करना है, कल आज तुम स्कूल का होमवर्क निपटाओ, कल इसी टाइम पे करना है। जो ट्यूशन एक दिन नहीं है ना, वो इसीलिए है कि एक दिन मेरे साथ पढ़ोगे, एक दिन मेरे बगैर पढ़ोगे। तो कोई बंदा ये बोलता है कि इसमें मेरे को टाइम नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हो। हमारे पापा बोलते हैं कि डेली पढ़ाओ, मैं कहता हूँ डेली पढ़ो, पर एक दिन मेरे साथ पढ़ो, एक दिन मेरे बगैर पढ़ो, तब तो आएगा कि हर दिन मेरे साथ पढ़ोगे तो ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।